السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مغل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه غلاله وكل غلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره

और वक्त से ताल्लुक़ रखने वाला एक अहम अनवान और मौजू है असल में औलाद अल्लाह सुबहान वत की तरफ़ से हम सब के लिए एक अज़ीम नेमत और दौलत है ये अल्लाह की आता है उसकी बख्शिश है हमारे पास ये अमानत है इनको महजब करना और तहजीब फ़त से आशना करना हम सब की ज़िम्मेदारी है अगर इनकी तालीम में तरबियत में तहज़ीब में इस्लाह में किसी तरह की कोई कोताही हुई हमसे या आपसे तो अल्लाह सुबहान वाली के यहाँ हम जवाबदेह होंगे रब्बुल रब्बालमीन के यहाँ हमसे सवाल किए जाएंगे क्योंकि ये अमानत है हमारे पास अल्लाह इनके नतलक हमसे कल क़यामत के दिन बरोज़ अशर सवाल करेगा इसलिए ये ज़िम्मेदारी भी बड़ी जिम्मेदारी है हसास किस्म की जिम्मेदारी है इसलिए बहुत सोच समझ करके कदम उठाने की ज़रूरत है अल्लाह सुबह ने तहरीम की छह नंबर की आयत शरीफा में वाजह कर दिया है कि हमें खुद भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करना है अल्लाह सुबहान तला ने जहन्नम की एक हल्की सी झलक भी पेश की है कि वो जहन्नम जिसको भड़काने के लिए अल्लाह सुबहान तला पत्थरों को इंसानों को डालेंगे और जिस जहन्नम पर जिम्मेदारी संभालने वाले अल्लाह के वो मुकद्दस फरिश्ते होंगे जो सख्त दिल होंगे और कवि हैकल होंगे मजबूत होंगे और किसी को भागने का मौका देने वाले वो नहीं होंगे ऐसी जहन्नम से अपने आप को बचाने की फिक्र करें और अपनी औलाद को भी ऐसी जहन्नम से दूर रखने की कोशिश और काबिश करें यह मतलूब है मकसूद है ये ये आयत ही बता रही है कि हम सब भाइयों की यह जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद के ताल्लुक से फिक्रमंदी का मुजाहरा हम करें वरना हम भी जहन्नम में जा सकते हैं और हमारी औलाद भी वासिल नार हो सकती है इसलिए बहुत सोच समझ करके कदम उठाने की ज़रूरत है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा था कुल्लुकुम अन वकुल्लुकुमती तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है निगरा है उसकी मां तहती में रहने वाले जितने भी अफराध हैं उनके मुताल उससे सवाल किया जाएगा वल इमाम इमाम हाकिम वक्त ये अपनी रियाया का जिम्मेदार है और रियाया के ताल्लुक से उससे अल्लाह के हुजूर सवाल होंगे कोई भी शख्स आप हो मैं हूं कसे बाशत? कोई भी हो अपने घर की खवातीन अपने घर के बच्चों के आप सब जिम्मेदार हैं आपके बच्चों के ताल्लुक से भी सवालात होंगे आपकी बीवियों के ताल्लुक से भी आपसे सवालात होंगे वलमर बैती फीबाई ऐसे ही औरत घर में मौजूद जो बच्चे हैं उन सब की जिम्मेदार है माओ से भी सवालात होंगे आज बच्चा रोता है दूध के लिए माए मोबाइल फोन पकड़ा देती हैं बच्चे आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं आपस में उनका तारुस होता है ये अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल में लगा देती है ये सूरत हाल है हमारे यहां जिम्मेदारियों को हम अंजाम नहीं देते और हालात तो इस कदर खराब हैं कि हमारे और आप जैसे लोग कमाने वाले घर पे पलट कर उस वक्त आते हैं जब बच्चे सो चुके होते हैं चौराहों पर नुक्कड़ों पर दुकानों पर देखें आप बड़े बड़े महतो जागीरदार चौधरी लंबी लंबी बातें करने वाले कुछ फिक्र नहीं है घर में जरूरत किस चीज की है बच्चे कहाँ जा रहे हैं ईसाइयों से मिले हुए हैं कि यहूदियत की तरफ जा रहे हैं या मुनक्र हदीस के हलकों में बैठ रहे हैं किसी को परवाह नहीं मस्जिदों के जिम्मेदार हैं मदरसों के चलाने वाले हैं और औलाद मदारिस से दूर है मसाजिद से दूर है दीनी महाफिल से दूर है ये बड़ा अलमिया है आते हैं रात के दो बजे कभी बारह बजे कभी एक बजे बच्चे सो चुके हैं और जाते कब हैं सुबह होती है ग्यारह बजे दिन में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं कई कई घंटिया पढ़ लेते हैं तब ये घर से निकल के जाते हैं ये सच्चाई है हफ्ता भर बच्चों से मुलाकात नहीं होती है ये बीच में संडे अगर ना आए तो शायद कितने लोग अपने बच्चों के चेहरे ना देख पाए और कुछ थोड़ा ज्यादा पैसा वाले हैं तो उनकी हालत कुछ और है वो तो महीना महीना भी गुजर जाता है बच्चों का दीदार नहीं कर पाते हैं फिर बच्चे उजड नहीं बनेंगे बदमाशी की तरफ नहीं जाएंगे जिालत में नहीं डूबेंगे तो क्या होगा सिर्फ कमाना नहीं है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस ताल्लुक से रब्बुल रब्बालमीन के यहाँ पूछा जाएगा और इतना ही नहीं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद वसलम ने फरमाया, अब्दिन फरमायाबुद्दिन जो कोई भी शख्स अल्लाह सुबह जिम्मेदार बना दे दस अफराद पर पचास अफराद पर हजारों पर जिम्मेदार बन गया वो खयानत कर रहा है हकूक को अदा नहीं कर रहा है मातहतों पर तवज्जो नहीं है उसकी इसी हालत में उसकी मौत हो गई इल्ला हरम अल्लाहु अलैहिल जन्नत जन्नत उसके ऊपर हराम कर दी जाएगी जन्नत उसके ऊपर हराम कर दी जाएगी कौन जो जिम्मेदार है चाहे वो समाज का जिम्मेदार हो इलाके का जिम्मेदार हो घर का जिम्मेदार हो मुल्क का जिम्मेदार हो और वो गद्दार हो खाइन हो जिम्मेदारियों को अदा करने वाला ना हो ऐसे शख्स के मुतालिक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा जन्नत उसके ऊपर हराम है सही है मुस्लिम की रिवायत सही है मुस्लिम की रिवायत है जरा सोच लें भाइयों। कहां हैं हम किस तरफ जा रहे हैं बच्चों पर तवज्जो क्यों नहीं है कोई पलंबर को सुन रहा है और कोई गामदी को सुन रहा है कोई किसी ईसाई से लो लगा करके बैठा हुआ है ये किसकी जिम्मेदारी है यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है तो क्यों नहीं है नाराजगी का इजहार क्यों नहीं हम करते हैं गलतियों पर बच्चों को जरब लगाने का टोक का जरह का नखद का अमल हमारे और आपके जरिया क्यों नहीं होता है जरा देखें आप इमाम हज़रत इब्राहिम व तस्लिम हैं अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की आज़माइशों में उनको डाला गया आज़माइशों में जब निखर कर सामने आए कामयाबी से सरफराज कर दिए गए तो अल्लाह सुबह नह व ती जा सी इमामा मनसब नबूत पर मैं तुम्हें फाइज कर रहा हूँ इब्राहीम अलह सलातव तस्लीम और वो इब्राहिम अलैहि सलातो व असलेम कुरान में रब कुद्दूस ने कहा है फतबेउ मिल्लात इब्राहिम हनीफा इस उम्मत को भी कयामत की दीवारों तक आने वाले जितने भी हैं सबको इब्राहिम अलैहि सलाम के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा ये कुरान की तालीम है फम औहयना इलैका अनित तबे मिल्लात इब्राहिम हनीफा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की जा रही है कि प्यारे पैगंबर आपको भी इब्राहिम तीम के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा उनकी मिलत को इख्तियार करना पड़ेगा ये अल्लाह की तरफ से तालीम दी जा रही है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीमुल मर्तबत पैगंबर बहुत अजीम मकाम है उनकी हालत क्या है जब खुशखबरी मिल रही है कि हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं तो क्या कहा बहुत ज्यादा मसरूर हो गए खामोश हो गए नहीं कहा वमिन अल्लाह मुझे मनसब और इमामत पर फाइज तो आप कर रहे हैं मेरी जुर्रियत का क्या मामला है मेरी औलाद की हालत क्या है क्या ये अहद उनके साथ भी है अल्लाह ने कहा लाद जालिमों के लिए मेरा कोई आहद नहीं है कोई वादा नहीं है इससे ये भी इशारा मिला कि इब्राहिम आपकी उम्मत में आपकी ज़रूरीत में कुछ गड़बड़ लोग भी होंगे कुछ जालिम भी होंगे कुछ मुशरिक भी होंगे कुछ अल्लाह के बागी भी होंगे कुछ अल्लाह के दुश्मन भी होंगे उनके लिए हमारा कोई मुआहदा नहीं है वाजे कर दिया लेकिन दर्द देखिए तड़प देखिए सवाल कर रहे हैं मेरी औलाद का क्या मेरी जरूरीत का क्या और कुद्दूस की तरफ से जब हुक्म हुआ कि अपने अपने शीरखार बच्चे को बीवी हाजरा अलत तस्लीम को जाओ छोड़ करके आओ बेखेती वाली जमीन में आज आप कहा बसते हैं कहते हैं मौलाना यहाँ पर किराया कम है किराया कम है इसलिए यहाँ बस गए हैं जहाँ कभी अजान के कलेमात भी सुनाई नहीं देते हैं ईद और बकर का पता भी नहीं चलता है उचक्कों के साथ काथोड़ियों के साथ कहीं पर भी अपने बच्चों को ला करके बसा देते हैं और फिर बच्ची किसी गैर के साथ भाग गई हजरत जी तब परेशान हुए ये तरीका गलत है वहां बसो वहां बसाओ जहाँ अपने लोग हों, आए मस्जिदों से, ईद और का पता चले, मुस्लिम मुआशरा हो मुस्लिम समाज हो अपने छोटे बेटे दूध पीता हुआ बच्चा हाजिर अलह सला तस्लीम अपनी बीवी को भी ला करके छोड़ कर जा रहे हैं ना खाने के लिए वहाँ कोई नज्म है न पीने के लिए कोई कुआं है न कोई चश्मा है न कोई इंतजाम है न कोई खेती है न कोई दरख्त है दूर दूर तक इंसानों का पता तक नहीं है ऐसी जगह पर अपने बच्चों को बसाते हैं और क्या कहते हैं रबली मैंने ऐसा इसलिए किया है रबूस कुछ नहीं है यहाँ तेरा मोहतरम घर तो है बैतुल्लाह तो है इस बैतुल्लाह के पास हमने बसाया इसलिए है लियोम ताकि ये नमाज कायम करने वाले हो जाएं, नमाज के पाबंद हो जाएं, भाइयों और दोस्तों अपने बच्चों को वहाँ बसाओ जहाँ अल्लाह की इबादत का इंतजाम हो मस्जिदें हो, माहौल इस्लामी हो चाहे बाजार नहीं हो तो क्या हुआ मार्केट नहीं है तो क्या हुआ खाने पीने की अशिया की फरावानी नहीं है तो क्या हुआ ये पैगाम मुजमर है इब्राहिम सलातलीम की सीरत में और इतना ही नहीं इमाम हैं खौफ खा रहे हैं डर है कि कहीं शिरक की तरफ ना चले जाएं कहीं कुफर की तरफ ना चले जाएं, रब से दुआ कर रहे हैं वजनुबनी इलाहा मुझे और मेरी औलाद को मेरे बेटों को मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा के रखना बुतों की पूजा अर्चना से बचा के रखना ये दुआ कर रहे हैं कितनी बार दुआ किया आपने दुआ किया कभी बेटी के लिए बेटों के लिए हाँ, दुआ करते हैं अल्लाह इसकी दुकान चमक जाए कारोबार चमक जाए बहुत आला में यारे जिंदगी व का हामिल हो जाए ये शब्द ये बच्चा मौलाना आप भी दुआ करो लेकिन आप उसकी आखिरत पर तवज्जो नहीं देते हैं आखरत की फिक्र नहीं है दुआ कर रहे हैं और इतना ही नहीं क्या कह रहे हैं अल्लाह मुझे भी नमाजी बना मेरी औलाद और मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाज़ी बना के रख ये दुआ है इब्राहिम अलैहि सलात व तसलीम की दुआ है अजीम मकाम रखते हैं और इतना ही नहीं वसीयत किया ववस्सा बिहा इब्राहिम व बनी ही व या बनी या इन अल्लाह इस्तफा लकुमुद्दीन फला तमुतुन्ना इल्ला व अतुम इब्राहिम सलात तस्लीम ने याकूब अलह सला ने अपने बेटों को वसीयत की कि बेटो तुम्हारी मौत इस्लाम पर ही आए जब तुम दुनिया से जाओ उस वक्त तुम इस्लाम पर रहो दीन पर रहो क्योंकि ये दीन अल्लाह का मुंतखब दीन है पसंदीदा दीन है जिसको चुन लिया है तुम्हारी कामयाबी के लिए जिसको मुतैन कर दिया है यहाँ तक का और याकूब अलह सलात यूसुफ अलैहि सलात व अब्बा के अब हैं याकूब सलाम मौत से पहले लोग कहते हैं बच्चों को बुलाओ कुछ हिसाब है कुछ कारोबार में लेन देन का मसला है हल कर देते हैं फला कोठी बड़े के नाम पर वहाँ की कोठी फलाने के नाम पर वहाँ की कोठी बेटियों के नाम पर याकूब अलह व तस्लीम ने ऐसा नहीं किया अपने बच्चों को जमा किया और क्या कहा जानते हैं मा ताबुदूना बादी। मेरे बेटो मेरी मौत के बाद तुम किसकी इबादत करोगे मेरी मौत के बाद तुम किसकी इबादत करोगे किसको अपना मालिक समझोगे किसको इबादत का मुस्तहिक के हती समझोगे यह सवाल हो रहा है क्या कहते हैं बेटे नाबुद इलाह का व इलाम व इसमाइल व इसहा का इलादा क्या कहा था बेटों ने नमाज के पाबंद तोहेद के अलंबरदार खौफ है मेरी मौत के बाद ये सराते मुस्तकम से हट ना जाए पलट ना जाए इस खौफ के साए में है और मौत से कुछ पहले का वक्फा है जब सवाल किया तो बेटों ने क्या कहा जिनकी इबादत जिसकी इबादत हम कर रहे थे उन्हीं की इबादत करेंगे एक अल्लाह की इबादत करेंगे आपके माबूद हकीकी की इबादत करेंगे आबा वजदाद इब्राहिम इसमाईल व तस्लीम के एक अल्लाह की इबादत करेंगे यह है तड़प यह है जज्बा हमारा जज्बा कहाँ है फज्र के लिए कुछ लोग आते हैं मस्जिद में जवान बेटा है घर में सो रहा है जवान बेटियां हैं घर में सो रही हैं जगाना मुनासिब नहीं समझते क्यों कहीं खर्चा बंद न कर दे बेटा जवान हो गया है ना पलट कर जवाब देता है घर का खर्चा संभालता है उसके मिजाज से हट करके ये बात होगी कभी नहीं गुस्सा हुए कभी नहीं टोकाने कभी नहीं मना किया कि गलत क्यों कर रहे हो नमाज जैसी अहम इबादत को क्यों छोड़ रहे हो इल्ला माशाल्लाह अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो आज के इस पुरफन दौर में भी इस तरह के आमाल को अंजाम देते हैं लेकिन अक्सरियत उन लोगों की है जो जानवरों और हैवानों की जिंदगी गुजार रही है देर से आए देर से गए खुद उनको अपनी फिक्र नहीं है कभी खाया कभी नहीं खाया कभी जुमा छूट गया कभी नमाजें छूट गईं कोई परवाह नहीं ये बच्चों की परवाह क्या करेंगे बच्चों की परवाह करो कहीं ऐसा ना हो रब्बुल आलमीन नाराज हो जाए पकड़ हो जाए हमारी और जहां गलत करें टोको हुक्का पानी बंद हो जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा डर करके मत जियो चूंकि शुरू से आपने ध्यान नहीं दिया है इसीलिए दिक्कतें आती हैं ये तरबियत का जो मसाला है ये शादी से पहले का है शादी से पहले ही देखो आप तो जहेज पर जाते हो पचास लाख कहाँ मिलेगा तीस लाख कहाँ मिलेगा जिसके घर में गाड़ी रखने की जगह नहीं है वो भी जहेज ढूंढता है फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए जब गाड़ी लोगे आप जहेज लोगे आप तो औरत टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी वो। आएगी क्या करेगी आपके बच्चों को बिगाड़ेगी वो तरबियत का जो मरहला है ये शादी से पहले का मरहला है ऐसी औरत का इंतख्या करो जो सोमो सलाद की पाबंद हो दीनदार हो मुखलिस हो नेक हो सच्ची हो पैसे पर मत जाइए पैसा चला जाएगा हुसन पर मत जाइए हुसन खत्म हो जाएगा दीनदारी पर आइए दीनदार औरतों को तरजीह दो और फिर देखिए बच्चे कैसे बन करके निकलेंगे बच्चे नेक होंगे अच्छे होंगे आपसे ज़्यादा आप बाहर कमाओगे और घर की औरत आपके बच्चों पर पूरी तवज्जो मरकूज़ रखेगी हमने देखा है कई साथियों को उनकी तजुर्बाती जिंदगी हमारी निगाहों के सामने है अपने घर को भी हमने देखा है दीनदार लड़कियों को तरजीह दो बतौर बहू के बीवी के ऐसी औरतों को लाओ जो दीनदार हों ताकि बच्चे ठीक ठाक हों नेक हों सोम सलात के पाबंद हों क्योंकि बच्चों का पहला मदरसा पहला स्कूल माँ की गोद है ये खुद नहीं जानेगी कुछ पचास लाख जहेज लेके आएगी वो आपकी सुनेगी कि आपको सुनाएगी वो वो आपके बच्चों की दाया बंद करके रहेगी वो आपके कपड़ों की सफाई करेगी वो आपके घर की नजाफत का ख्यालो लिहाज करेगी हरगज नहीं इसलिए दीनदार औरतों को तरजीह दो आप प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की जिंदगी देखिए नसीहत कर रहे हैं चचाजात भाई हैं हबरूल हैं कि जब सवाल करो अल्लाह से सवाल करो तफफ़स अल्लाह कभी बताया शिरक से बचना है धागा निकाल के फेंको बच्चों को देखो आप छोटा बच्चा पैदा हुआ अहले हदीस के घर में वो काजल का मामूली हिस्सा यहाँ होता क्यों और दादी ने लगा दिया है नजर बस से बच जाइए हाथ में काला धागा कमर में काला धागा पैर में काला धागा ये है अहले हदीसों का अमल तोहीद में लचर है कमजोरी है इद्दिया है हमारे यहां ज्यादा अमली एतबार से हम तखल्लुफ के शिकार हैं क्या कहा था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल करो अल्लाह से करो मदद मांगो अल्लाह से मदद मांगो और आए अब्दुल्लाह वालम अन्न उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैअ ला ينفعك الا بشين قد كتبه الله لك पूरी कायनात के लोग जमा हो जाएं मिलकर के तुझे नफा पहुंचाना चाहें अल्लाह सुभानहू व तआला ने जितना लिखा है तेरे नसीबे में उतना ही ये नफा पहुंचा सकते हैं और सारी कायनात के लोग बड़े-बड़े दुश्मन अकाबिर मुजरमीन इकट्ठे हो जाएं आपके मुआनेदीन जमा हो जाएं नुकसान पहुंचाना चाहें जितना अल्लाह ने तेरे नसीब में नुकसान लिख दिया है उससे ज़्यादा ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते जफ्फति सोफ़ कलम को उठा लिया गया है शहीफ़े खुश कर दिए गए बंद कर दिए गए हैं तब्दीली नहीं हो सकती ये नबी की तालीम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में एक बच्चा है उम सलमा रदी अल्लाहु इमरतील्ला का दूसरे शोहर से खाना खा रहा है हाथ यहाँ वहाँ चला रहा है प्यारे नबी कहते हैं अल्लाह का नाम लो दाहिने हाथ से खाओ कुल भी कुल्ब अमेन खुल मलीख जो खाना बर्तन में तेरे सामने है उसी को उठा वहाँ से भी उठा रहा है बच्चा वहाँ से भी उठा रहा है मना फरमा दिया ये नबी की तालीम बच्चों को तालीम देते थे बचपन से लेके चलो बचपन में आप जीन पैंट पहनाओगे बच्चियों को लड़कों को लड़कियों का लिबास पहनाओगे और कहोगे मुरी साहब अभी छोटे हैं आगे चल करके संभल जाएंगे संभलेंगे नहीं बदमाश बन करके निकलेंगे लानत है ऐसी औरतों पर जो मर्दों का लिबास पहने लानत है ऐसे मर्दों पर जो औरतों जैसा लिबास पहने छोटे बच्चों को रोको और बहुत अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ रही है एक शख्स का फोन आता है मोनी साहब अंग्रेज़ी का बुखार चढ़ा हुआ है मौलाना साहब जुमा की नमाज छूट रही है बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है और टीचर आने नहीं दे रही है क्या किया जाए क्या किया जाए ये अंग्रेज़ बनने की कोशिश में लगे हुए हैं और सोचते हैं बच्चा मिसले इमाम बुखारी पैदा हो बच्चा इमाम मुस्लिम की तरह हो जाए बच्चा अल्लाह व तआला का वली हो जाए जुमा की पाबंदी नहीं है नमाजों को तो छोड़ो पांच वक्त की नमाजें जो बड़ी अहम हैं अहमियत की हामिल हैं जुमा तक नहीं पढ़ते हैं इस खतर बेगैरती है और हम जैसे लोग ले जा कर के ईसाई स्कूलों में डाल देते हैं इसकी परवाह नहीं होती है कहते अंग्रेजी में फर 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 बोलता है मोरी साहब लेकिन अकीदा बिगड़ गया मनहज से समझौता कर लिया गुमराही और जलालत की तरफ चला गया इसकी परवाह नहीं जो जुमा छोड़ देता हो आगे की जिंदगी में उससे क्या आप रखोगे ये जलालत है गुमराही सलफ में से एक ने कहा था एक ने अपने बच्चे को समझाते हुए कहा था या बोनैयाब रुक बतैक अरे बेटे उलमा के सामने जाया करो जानो तलम किया करो या बोनैया और कानों को लगा करके सुनो वलमा क्या बयान दे रहे हैं क्या समझा रहे हैं जाओ उनकी मजलिसों में बैठो कान लगा करके सुनो मेरे बेटे ये दिल वलमा के बयान से मुजल्ला और मुसफा होंगे कम तहल मई ततु बीमतरी समाई जैसे मुर्दा जमीन आसमान की बारिश से जिंदा हो जाती है वलमा के बयान से उनके दरूस से तुम्हारे दिल जिंदा हो जाएंगे तुम्हारे दिलों में सफाई आ जाएगी तुम्हारे दिल ठीक ठाक हो जाएंगे बेदार हो जाएंगे ये एक सलफ हैं असलाफ में से एक बहुत ही मुक्कर शख्सियत है उन्होंने अपने बच्चे को नसीहत की थी और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा बच्चों पर तोज्जह मरकूज़ करने की अल्लाह हम सबको हिदायत दे ये सरमाया है दुनिया के लिए भी आखरत के लिए भी अल्लाह इन्हें बनाने सजाने संवारने की हम सबको को तोफ़ी अरजानी नायत फरमा आमीन वसलम आलैक्म वरमि वबरक़ू